आज मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके साथ आयोजित अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुछ अहम खबरों के ऊपर एक नजर डालते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में तंबाकू और पान पर प्रतिबंध लगाने के बाद जहां एक बड़ा वर्ग बेहद खुश है, वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो तंबाकू और पान न मिलने से परेशान है। एक ऐसा वर्ग भी है जो इस बात से नाराज है कि तंबाकू के साथ साथ कुछ सुपारी के पदार्थ और पान मसाले को भी बंद कर दिया गया है। हालांकि जो लोग समाज की इस बुराई से लड़ रहे हैं उन्होंने इस पर प्रतिबंध का स्वागत किया है। इस सिलसिले में अंडमान निकोबार के लोगों से बात की और उनकी राय को मिशन लाइफ में जानना चाहा। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि जर्दा बैन लगाया गया है, ठीक है, उसमें लिक्विड जर्दा होता है। जो हमारा रजनीगंधा जो पान मसाला है उसमें भी उन्होंने पाबंदी लगाई है, जबकि हमारे पास में रिसोर्स है। अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, इसमें क्लियरली लिखा गया है रजनीगंधा पान मसाला डू नॉट कंटेन तंबाकू और निकोटीन एज एन इंग्रीडियंट इन द प्रोडक्ट एज सच दिस प्रोडक्ट इज नॉट बैन। दूसरा हमारे पास तमिलनाडु फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का रिपोर्ट है जो क्लियरली बोलते हैं कि इसमें कोई भी निकोटीन नहीं है, एवरीथिंग इज नेगेटिव, तो इसके बावजूद भी इसको बैन किया गया है। मेरा मानना यह है कि अंडमान निकोबार का आप नाम चेंज करिए, उसका नाम आप दोबारा से काला पानी रखिए। एक टाइम था आदमी ने आगे से डरता था कि काला पानी की सजा होगी, आज ये रोल वाला हो गया है। आपने हर चीज से पाबंदी लगा दी है, हमारा 18 ईयर्स के ऊपर है, हमें पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या सही है क्या गलत। अंडमान निकोबार के दोबारा को बैन है, तो उसके बावजूद हमने हम पहले काफी दिन दे चुके थे और मांग कर रहे थे, आज वही पालन कर भी जा रहे हैं, तो बैन भी बिक्री करते हैं हमने इसी की वजह से। और शराब और तंबाकू